नमस्कार, वे दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, 12 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अभियान के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर राजधानी में एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेल के विशेष आयुक्त अरविंद दीप ने बताई, खुफिया जानकारी के आधार पर मंगलवार देर शाम दिल्ली के गोकुलपुरी, लोनी और NCR क्षेत्र में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए और साकेत, समीर और साजिद समेत 12 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बैटरियां और बारूद बरामद किया गया है। पुलिस को आशंका है कि पकड़े गए संदिग्ध जैश ए मोहम्मद के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। आजम खान का विवादित बयान, कहा शादी कर मर्दानगी साबित करें आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सपा नेता आजम खान ने गोरखपुर से भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ पर एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि वे शादी कर अपनी मर्दानगी साबित करें। आजम की टिप्पणी पर बवाल मच गया। कौमी सलामती काउंसिल के कार्यक्रम में शामिल होने आए आजम ने महंत आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि महंत भला मोहम्मद की बात क्या जाने, वे पहले शादी करें और मर्दानगी साबित करें। शादी कर नस्ल बढ़ाएंगे तो मोहब्बत खुद सीख जाएंगे। सारे साधु संत कुंठित हैं। आजम ने कहा कि जिन्होंने भी शादी नहीं की वे कुंठित हो जाते हैं। उत्तराखंड शक्ति परीक्षण मामले में केंद्र को जवाब के लिए 2 दिन का समय। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहारिता के न्यायालय के सुझाव पर जवाब देने के लिए उसे 2 और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने न्यायालय के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस न्यायालय के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। ट्रंप विरोधी बाबी जिंदल बोले, वोट तो ट्रंप को ही दूंगा। एक समय डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी रहे एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने के पूर्व दावेदार बाबी जिंदल ने कहा कि यदि ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बनते हैं तो वे उनके लिए मतदान करेंगे। लुइसियाना के पूर्व गवर्नर जिंदल ने मंगलवार को CNN को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि वे हिलरी क्लिंटन से बेहतर होंगे। यदि वे उम्मीदवार बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दूंगा। मैं इसे लेकर खुश नहीं हूं, लेकिन मैं हिलरी क्लिंटन के बजाय उन्हें वोट दूंगा। चीन में अमेरिकी राजनयिक हैंसकॉम स्मिथ ने किया समलैंगिक विवाह। चीन की राजधानी बीजिंग में नियुक्त एक अमेरिकी राजनयिक ने अपने चीनी साथी के साथ समलैंगिक विवाह रचा लिया। चीन की एक सरकारी वेबसाइट ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि वरिष्ठ राजनयिक और यहां पर अमेरिकी महावाणिज्य दूत हैंसकॉम स्मिथ ने सैन फ्रांसिस्को में अपनी छुट्टियों के दौरान अपने चीनी साथी लियू यिंग जोंग से विवाह कर लिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।